वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शकील खान में तल कलामी अडियाला जेल में केपी के हवाले से आज अहम सरगर्मियां। अली अमीन गंडापुर और साबिक सूबाई वजीर शकील खान अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा इस्लामाबाद भी पहुंच गए हैं। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास मुलतवी करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शकील अहमद के मुमकिन एहतजाज के बाद स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। इस हवाले से मजीद जानते हैं जाहिदा राव से। जाहिदा, क्या मामला चल रहे हैं? आज बानी पीटीआई से मुलाकात भी की जाएगी? जी बिल्कुल, केपीके में जो है इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे थे। शकील खान ने जो है करप्शन इल्जामात लगाए थे वज़ीर आला से, तो उसके बाद जो है बानी पीटीआई का ही हुक्म आया था कि कोई भी इख्तलाफात जो है मीडिया पर ना लाए जाएं और मैं किसी भी शख्स से इजाजत नहीं दूंगा कि केपीके की हुकूमत को कमजोर किया जाए, गिराया जाए। उसी सिलसिले में आज जो है दोनों रहनुमाओं जो है मुलाकात करेंगे अडियाला जेल में। उसके बाद जो है आतिफ खान और जुनेद अकबर को भी इसी हफ्ते जो है उम्मीद की जा रही है अडियाला जेल में मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जुनेद अकबर को भी डिनोटिफाई कर दिया गया वज़ीर आला अली गंडापुर की जाने से, और कहा गया है कि आतिफ खान और जुनेद अकबर भी किसी ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हैं जो बानी पीटीआई को पसंद नहीं है, उसके बाद उनकी मुलाकात कराई जाएगी। तो देखते हैं दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होती है, बाहर आके क्या मौकफ होता है। दूसरी जानब केपीके असेंबली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। पीटीआई के अपने ही लोगों के मुताबिक इजलास इसलिए मुलतवी किया गया क्योंकि शकील खान ने एहतजाज करना, तो उसकी तकरीर के डर से जो है आज जो है इजलास मुलतवी करना पड़ा। आज जो है दोनों रहनुमा मुलाकात के बाद जो है इख्तलाफात देखते हैं कम होते हैं या मजीद जो है बाहर आकर मीडिया पर बढ़ते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जाहिदा।